गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। कल मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 10.1 मेजरमेंट बताई थी। तो मेजरमेंट में आपको मैंने दो क्वेश्चन मेजरमेंट बताई थी और दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दो बताया था। आज बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बताए थे मैं आप लोगों को कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर इज इक्वल टू 2 × 100 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए अगर 1 मीटर दिया है और 100 सेंटीमीटर दिया है, या तो 1 मीटर दिया है तो वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, और 2 मीटर दिया है तो वो 200 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिया है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताऊंगी। ये हो गया 4 मीटर, ठीक, 200 सेंटीमीटर एंड 500 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर, और आपको लिखा अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन है आपका अरेंज ARRANGE अरेंज द फॉलोइंग इन WING फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है 4 मीटर, 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर एंड 6 मीटर। तो देखिए मैंने बताया आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए इसमें आपको 4 मीटर दिया है तो 4 मीटर कितना होगा, 400 सेंटीमीटर। सब देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो सबको आपको या तो सेंटीमीटर में चेंज करिए या तो मीटर में चेंज करिए। तो पहले आपको सेंटीमीटर में चेंज करने में आसानी होगा आपको। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर है तो आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर एंड 600 सेंटीमीटर। तो पहले आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो आपका ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 4 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर एंड 600 सेंटीमीटर। देखिए अब आप इसको मीटर को 100 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 200 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर एंड 600 सेंटीमीटर। हो गया, आप इसको मतलब या मैंने आपको बताया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो पहले या तो आप इसको मीटर में सारा चेंज कर दीजिए या तो सेंटीमीटर में चेंज किए। तो हम पहले आपको सेंटीमीटर में चेंज करना बताएं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ आपको 4 मीटर दिया है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 4 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर एंड 500 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया गया है, और 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो आप उसको 600 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए
अब देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग लेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए लेंस दिया है आपको, पहला है ए 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 40 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर। तो पहले आप सबको देखिए, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, ये मीटर, ये सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो ये सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ लिख दीजिए 100 सेंटीमीटर। ये है 10 सेंटीमीटर, तो 10 को 10 से वो करेंगे 100 सेंटीमीटर, और ये है 10 मीटर, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर, ठीक। फिर ये 40 मीटर है, तो 400 सेंटीमीटर, देखिए ये है 40 में आप 10 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी, या ऐसे 100 में 40 से मल्टीप्लाई करिए, 100 हो गया, ये आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, फिर 40 40 और 4 वन जा 4, तो 4000 हो जाएगा, ना कि 400 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 4000 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर, और ये 500 सेंटीमीटर। अब ये देखिए 10 मीटर है, आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10100, फिर 10101, तो आपका ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, एंड 500 सेंटीमीटर। अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, तो क्या है 1000 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 4000 सेंटीमीटर, फिर 1000 सेंटीमीटर, फिर 500 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, ओके। ये आपका हो गया एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, अब मैंने आपको आज बताया 3 and 2, 3 का एक क्वेश्चन बाकी है और 4 का, ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, तब मैं कल आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगी, ठीक है। और आप लोग एक्सरसाइज 10.1 जब क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने बताया है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और तब उसके बाद कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाऊँगी, ओके, बाय बाय।